पूरा भाई ये देखो, मैं वेजिटेरियन हूँ तो भाई ने बनाया पूरा वेजिटेरियन। ये देखिए भाई, शुरू करते हैं आज की वीडियो में, देखिए ब्लॉग के साथ तो कैसे कह देगा। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ भाई हत्ता दुबई का वो प्लेस जहाँ पे आपको पहाड़ मतलब सीनरी वगैरह मिलने वाली है। तो अगर चैनल पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा भाई। वैसे वीडियो ऐसी आपके पास आती रहेगी। वीडियो करते हैं शुरू और चलते हैं हत्ता। तो भाई ये लकड़ी वकड़ी ले ली है जलाने के लिए। तो हमारे साथ जा रहे हैं एक ये कैलाश भाई हैं, ये वो भाई है क्या गोविंद भाई है, और ये चंदू भाई है। ठीक है, तो आज हम सारे जाने वाले हैं भाई हत्ता में। ठीक है, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करेंगे, रात को पूरा टाइम पे वहीं पे रहना है। ठीक है, और भाई कुछ बोलना चाहोगे आप लोग? क्या बोलना चाहते हैं? देखो यहाँ पे आपको लकड़ियाँ मिल जाती है, ये देखो भाई। देखा इस टाइप की आपको भीड़ दिख जाती है भाई, दबाके भीड़ मिलेगी अंदर। ठीक है, अपन चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। ये मैंने आपको दिखा दिया, रास्ते में पड़ जाती है आपको, ये देखो आपको दिखाऊं, ये देखो। तो भाई फाइनली हमारा कैंपिंग का बेस रेडी हो रखा है। यहाँ पे देखो भाई हमारा पूरा, भाई ये देखो मैं वेजिटेरियन हूँ तो भाई ने बनाया पूरा वेजिटेरियन। ये देखिए पूरा ग्रिल करने के लिए तो जा रहा है। हम इसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेबल चारकोल टिक्का। चारकोल टिक्का है, चलो ठीक है। और यहाँ पे कुछ भाई देखो, यहाँ पे ये मैरिनेशन चल रही है। आप क्या बना रहे हैं भाई? अरे सर आपके लिए तो कर रहे, वेजिटेरियन है ना। हाँ हाँ यार, मशरूम है, देखो भाई ब्रोकली है, मशरूम है, कैप्सिकम है, चीज है, कोटेड चीज हो गया। ये देखो भाई पूरे दबा के मशरूम लग रहे हैं आपके लिए, मशरूम सिर्फ मशरूम। आप मशरूम ज्यादा लाइक करते हो ना? हाँ भाई, हाँ तो थैंक यू। और भाई आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप मदद कर रहे हो, मदद। अच्छा लाइट की मदद कर रहे हैं भाई। देखो हमारा टेंट में लग चुके हैं, यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा टेंट लगा। और भाई जितने भी पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हत्ता का एरिया है, यहाँ पे आप फ्री कैंपिंग कर सकते हैं। जो दूसरी साइड है वहाँ पे कैंपिंग में आपको चार्जेस हैं कुछ शायद, आई थिंक जैसा हमें बताया गया। गाड़ी अपनी यहाँ पे लगा दी है भाई, यहाँ पे सुबह नज़ारा दिखेगा आपको। ठीक है, फाइनली अभी जो जो चीज़ें हम रेडी करते जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, प्लान दिखाते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये पूरा सेटअप पड़ा हुआ है, ये देखें भाई। ओ भाई ये देखिए, ये भाई लग गए तुम्हारे भाई के वेज। ठीक है, ये हमारा गैस है, ये हमने गैस है सब ला रखे भाई, कम लगा रहे, कम कम लगा रहे। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो मेन शेफ है ना, ये गोवा से आए स्पेशली, ये देख सकते हैं आप, बहुत बिजी हैं, इनके मुंह पे भी धुआं आ रहा है, ये देखिए दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है भाई, ऐसी तरीके से आपको पूरा व्लॉग मिलेगा आपको हत्ता का। ठीक है, रात का ये था। ठीक है, व्यू भी आपको मिल जाएगा, जितना भी सिनेमेटिक व्यू आपको आप देख लेना भाई, बहुत ही प्यारी जगह। और अब हत्ता को तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल कर दिया गया है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप हनी भी हैं बहुत तरीके के, जो आप टेस्ट सैंपल भी देते हैं वहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है वो मैं आपको दिखा दूँगी। बेसिकली हम कैंपिंग के लिए आए थे, ठीक है, तो ये हमारी कैंपिंग चल रही है अभी। ठीक है, बाकी के आगे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। चलिए तो भाई तुम्हारा भाई तो घुस चुका है भाई टेंट के अंदर। ठीक है भाई, ठंडा हो चुका है मौसम। ठीक है, और भाई ठंडे ठंडे मौसम में भाई अपना खाना भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ये देखो भाई लोग बैठ रखे भाई, पेप्सी वेप्सी लेके बैठे हैं। ठीक है, और ये देखें भाई सलाद वलाद नमकीन। अब यहाँ पे आपको दिखाया था भाई हमने तैयारी क्या कर रखी है, देखो ये सब ग्रिल, ये भाई ये मेरा वेज है ग्रिल। ठीक है, यहाँ भाई ने देखो फिश बना रखी है। ठीक है, ये क्या भाई? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का हो गया, ये क्या है? ये बारबेक्यू चिकन विंग्स। और ये होगी हमारी ग्रिल फिश होगी, बारबेक्यू फिश हो गई, और ये हो गया अपने चारकोल वेजिटेबल, चारकोल वेजिटेबल। और ये क्या भाई? ये चटनी, ये यहाँ की नहीं चटनी, ये एक्चुअली मैं फ्रांस के, कहाँ की है? फ्रांस। फ्रांस की चटनी क्या बनती, क्या थोड़ा बताओगे भाई? सिक्योरिटी से भी इसको मतलब थोड़ा टफ है बताना भाई, ये शेफ लोग हैं। ठीक है, तो ये बताएंगे नहीं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये देखो एक भाई ये है, ये बैठे हैं। ठीक है, तो भाई ट्राई करना, प्योर वेजिटेरियन है बट आप ट्राई करोगे तो आपने फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस होगा ऐसा खाने का, आप बोलेंगे वाओ। और भाई कोई भी शेफ, अगर कोई बड़ा शेफ अगर किसी को चाहिए भी हो कहीं पे होगा दूसरी कंट्री से, कोई हमारी वीडियो देख रहा हो भाई, ये हमारे भाई लोग हैं पूरे शेफ हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो भाई लोगों को बुला भी सकते हो आप अपने पास। ठीक है, सारा काम भाई लोगों को आता है। भाई ये देखो ये चटनी बना रखी है, कहाँ की चटनी बोले भाई? फ्रांस की। फ्रांस की चटनी है। ठीक है, मुझे तो पता नहीं भाई फ्रांस की कैसी चटनी होती है। ये देखो भाई ब्रोकली है इसमें, अब भाई इसको खाते हो भाई। सच बताऊँ सॉस कैसा है चटनी का? भाई लिटरली बता रहा हूँ जो बताया ना, फ्रांस और इटली कहाँ की है भाई? फ्रांस का चटनी, फ्रांस की चटनी, चारकोल वेजिटेबल है लिटरली भाई, बहुत टेस्टी बनाई भाई भाई लोगों ने हत्ता में। अगला जो उसका जो सेकंड पार्ट रहेगा इस वीडियो का इसके बाद,
वो रहेगा सुबह का व्यू, तो खाली वीडियो पे बने रहना। सुबह फाइनली सुबह हो चुकी है, सुबह का नज़ारा आपको दिखाओ ना। ये देखो भाई, ये वो नज़ारा था जहाँ पे रात को हमने कैंपिंग करी, आपने देखा भाई, देखो पूरा यहाँ पे लोग टेंट वेंट लगा के, ये देखो भाई ठीक है, और वहाँ से भी सनराइज होने वाला है। और ये देखो भाई नज़ारा ठीक है, ये अपने दो टेंट थे, एक ये वाला था एक ये वाला था। भाई इन्हीं नज़ारों के बीच अब देखिए भाई, यहाँ पे सुबह हो चुकी है और यहाँ पे आई थिंक हमारे भाई चाय रेडी हो रही है, ये भी उठ चुके हैं। कैलाश भाई गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग भाई, यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई, यहाँ देखो भाई चाय वाय बना रहे हैं हमारे संदू भाई। कैसी हो गई आपकी? बस भाई बढ़िया, अपने तो मस्त रही। आप सुनाओ अपनी, क्या यार अपन तो मस्त हो रहे। हाँ भाई आप हो गई नींद पूरी? भाई ये बंदा भाई साहब पूरी रात सोया है ठीक है, और मस्त खराटे मार के सोया यहाँ बाहर, यहाँ पे इस पत्थर पे बैठा हुआ थे भाई। ये देखो भाई थोड़ा सा वहाँ हमने टेंट लगाया था ठीक है, ऊपर चल के और व्यू आपको कैसा मिलता है देखो भाई, पीछे व्यू देखो यार मस्त है ना। ये देखो भाई इधर घोड़े भी खड़े हुए वाइट कलर के, और भाई इस टाइप का आपको व्यू मिल जाता है। ये देखो भाई वहाँ से सनराइज, ये देखो आप एक कैंपिंग फ्री है, फायर आप बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर आप फायर जला रहे हैं भाई बाहर तो ध्यान रखें, म्यूनसिपैलिटी वाला आएगा भाई, फाइन मिलेगा बहुत तगड़ा। तो ये सोच समझ के अपना एक वो लेके आए, क्या बोलते हैं उसको, बारबेक्यू स्टैंड लेके आए ठीक है, और एक यहाँ पे सेपरेटली एक फायर के लिए बना रखा है, उसमें आप यूज़ करें उसको, और लकड़ी वकड़ी जलाएं आराम से जो भी जलाना है, बाद में फेंक दे सारी चीज़, ताकि भाई अगले दिन जो भी लोग रहने आएंगे कुछ भी करने आएंगे ठीक है, उनको वो जगह साफ़ मिले, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया बहुत मस्त बन चुका है यहाँ पे ठीक है। ये देखो भाई, और ओमान की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ही पास है मेरे ओमान, मतलब यहाँ से अगर मैं जाना चाहूँ तो कम से कम मेरे को शायद 15-20 मिनट लगेंगे ओमान जाने भाई। ये है देखो जो मैंने आपको बताया था, उस पर आप खाना वाना बनाएं ठीक है, कहीं पर ऐसे लकड़ी वगैरह ना जलाएं ठीक है, और इस टाइप से अपने गार्बेज में सामान वामान रखें साइड में और फेंकें, वरना फ़ाइन पड़ेगा तो भाई बेफालतू में बहुत तगड़ा फ़ाइन मिलेगा। इस टाइप की यहाँ पे देखो एक चिमनी बोल सकते हैं इसको, इस टाइप की दे रखी है, यहाँ पे आप नीचे अपना जला सकते हैं, इसके अंदर ही करें जो भी आपको बारबेक्यू वगैरह करना है ठीक है गाइस। ये एक इन्फॉर्मेशन भी, ये भी ध्यान रखना आते वक्त। गाइस देखा आपने भाई, ये था भाई हत्ता का व्यू, एक छोटा सा आपको एक टूर करवाना था अपने साथ, तो आपको दिखा दिया भाई पूरा हत्ता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, तो भाई मिलेंगे अगले तंत्र ब्लॉग में, अगले तंत्र कंटेंट के साथ वीडियो करते हैं खत्म, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।